जी, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि श्याम रंग की मूर्ति क्यों है आखिरकार, इसके पीछे भी जरा वजह बता दीजिए लोगों को। देखिए, भगवान राम स्वयं आकाश है तो सीता धरती है, राम विष्णु है तो सीता लक्ष्मी है, और इसलिए जो कि आकाश नीलांबर है, भगवान कृष्ण का भगवान विष्णु भी नीलाम भी है, नील कमल की तरह उनका शरीर है, वैसे ही चूंकि विष्णु के अर्ध अवतार थे इसलिए भगवान राम और भरत ये दोनों ही कृष्ण वर्ण के हैं, तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों गौर वर्ण के हैं, क्योंकि भगवान राम कृष्ण भगवान विष्णु के अर्धावतांश थे, आधे अंश थे, तो भरत जी चतुर्थांश थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अष्टमांश थे, इसलिए ये जो इनकी प्रतिमा है ये कृष्ण वर्ण की है, नील वर्ण की है, जो कि आकाश का प्रतीक है, ब्रह्मांड का प्रतीक है, और इसीलिए जो इनके आंखों में भी जो मधु से और घी से जो आंखों का नेत्र खोले जाते हैं, इसमें भी परमेष्ठी मंडल और सौर मंडल का संकेत होता है, क्योंकि दोनों ही परमेष्ठी मंडल और सौर मंडल के बिल्कुल विष्णु का अवतार लिए हुए हैं। ये मूर्ति बेहद ही मनमोहक है और ऐसा लगता है कि मानो कि भक्तों से वो बात कर रही हो, अपना प्रेम लुटा रही हो, आशीर्वाद दे रही हो। शास्त्री जी, जरा जो लोग घर पर मौजूद हैं, अयोध्या नहीं जा पाए हैं, उनके लिए जरा मंत्र बता दीजिए, जो कि आज भी वो दीपक लेके बैठे हुए, 5 दीपक जो उन्होंने भी जलाने हैं, दीपोत्सव का पूरा माहौल तैयार है, सज धज के तैयार है पूरा भारत, कौन सा मंत्र पढ़ा जाए, किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए राम भक्त के लिए, जरा ये बताइए। वैसे तो भगवान सब भावों में भगवान है, भाव के साथ में तो इनकी आराधना की जाए वो ठीक है, लेकिन ये पंच जो तत्व हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल तेज आकाश, ये सब पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें खास तौर से पृथ्वी का पूजन करके और आसन पर भगवान राम की प्रतिमा को, मूर्ति को या उनके चित्र को बिठा करके, और अग्नि तत्व दीप जलाना चाहिए, घी का दीप जलाएं, दाहिनी तरफ घी का दीप हो, और उनका और अगर संभव हो तो दाल से अष्टदल कमल बना करके, कलश रख करके और वरुण की पूजा करके भगवान राम की। बिल्कुल विनोद शास्त्री जी, आपने सही कहा कि राम से कोई बड़ा मंत्र नहीं होता है, राम से बड़ा कोई नाम नहीं है, तो प्रभु श्री राम का दिव्य आप नाम लीजिए, उनका जाप कीजिए और दीपोत्सव बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद शास्त्री जी हमसे जुड़ने के लिए। अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्योतिष आचार्य, और ये आपको 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो बीच की तस्वीर है वो मनमोहक तस्वीर है, बाल स्वरूप यहाँ पर राम के इसमें दिखाया गया है, तेज प्रकाश आप देख सकते हैं उनके माथे पर नजर आ रहा है, भीनी सी मुस्कान प्रभु श्री राम लिए हुए हैं, 5 साल के बाल स्वरूप को इसमें दिखाया गया है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, आभूषण से उन्हें सजाया गया है, धनुष लिए हुए हैं और विष्णु के अवतार के साथ 10 अवतार इसमें शामिल हैं। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री पहुंचे, वो तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे हैं, जो अनुष्ठान चला है लगभग 1 घंटे का, उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री चांदी का छत्र लेकर, फूल लेकर खुद पहुंचे थे, गणेश की पूजा वंदन के साथ अनुष्ठान की शुरुआत हुई। गर्भगृह में जब पहुंचे प्रधानमंत्री तो देखिए किस तरीके से वहां पर पूजा अर्चना की गई, रामलला विराजमान रहे, पूजा उनकी की गई, प्राण प्रतिष्ठा रामलला की गई, और उसके लिए जो वचन लिया था प्रधानमंत्री ने, जो अनुष्ठान लिया था 11 दिन का, आखिरकार वो व्रत भी खोला। ये 4 तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो वहां पर मौजूद संतों ने उनका माल्यार्पण का स्वागत किया है, अंगवस्त्र भेंट किए गए हैं, और राम मंदिर का मॉडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री को सौंपते हुए, उनको भेंट करते हुए, और राम मंदिर वाकई अब हकीकत बन चुका है, एक सच बन चुका है, जो सपना वर्षों पुराना था, शताब्दी हो चुकी हैं, सदियां